हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऐश्वर्या और आज हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसका वेटेज गेट में बहुत ज़्यादा है, जो कि 12 से 16 मार्क्स का आता है। अगर आप देखेंगे तो गेट का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 15 मार्क्स का तो जियोटेक इंजीनियरिंग ही आता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेजियस होगा। ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। तो फिर इस सब्जेक्ट में हम लोग फॉलोइंग टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ओरिजिन, इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसका वेटेज जो रहता है 2 मार्क्स का होता है। 12 से 16 मार्क्स जो आता है टोटल जियोटेक इंजीनियरिंग में आता है, जिसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि किससे किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है। इससे 2 मार्क्स का आता है। परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज एनालिसिस, इसे 2 मार्क्स का आता है। यह हमारा सेकेंड चैप्टर होगा। थर्ड चैप्टर जो होगा कंप्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन, इससे भी 2 मार्क्स का आता है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ चैप्टर होगा अर्थ प्रेशर थ्योरीज एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप, ये भी 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शैलो फाउंडेशन और उसके बाद पढ़ेंगे डीप फाउंडेशन, ये दोनों 2-2 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल स्टेबिलाइजेशन एंड इवेपोरेशन, ये इसका वेटेज 1 मार्क्स का होता है। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस के अकॉर्डिंग इस तरह से है। टोटल मिला के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 साल का पेपर देखें हम लोग प्रीवियस, तो 12 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जियोटेक इंजीनियरिंग से। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे के लेक्चर्स अब आएंगे।